نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب معزز علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں اور بہنوں پیارے بچوں بڑی مسجد شجاعت گنج میں آج یہ پروگرام بالکل اچانک ترتیب دیا گیا ہے بس ایسے ہی دل میں آیا بقرعید کا موقع ہے تہوار کا موقع ہے چل کر کانپور دوستوں سے ملاقات کر لیں کچھ سیر و تفریح کر لیں اس مقصد کے لیے یہ سفر طے ہوا اور بالکل اچانک ساتھیوں نے یہ عشاء بعد کا آج کا یہ پروگرام مسجد میں مرتب کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے اور آج یہاں جو باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کی جائیں رب العالمین کہنے والے کو سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین میرے بھائیوں ہم اور آپ ابھی اپنے دوسرے اسلامی تہوار عید الاضحیٰ سے فارغ ہوئے ہم سب نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کی بہترین جانور کو خریدا اور اللہ کا نام لے کر کے اللہ کا راہ سے قربان ظاہر ہے کہ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی توفیق ہے کہ اللہ نے ہم سے یہ کام لیا اللہ نے ہم سے قربانی کروائی مگر اس موقع پر جب ہم نے اپنے جانوروں کی گردنوں پر چھری چلائی ہم نے اپنے جانوروں کو قربان کیا ہماری شریعت ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے یہ شکشا دیتی ہے یہ ہدایت دیتی ہے
कि हम सिर्फ जानवर की कुर्बानी ना करें, कुछ और भी चीजें हैं जिनको कुर्बान करने की जरूरत है, जिनको मिटाने की जरूरत है, जिनको खत्म करने की जरूरत है। समाज में आप जरा नजर उठाते कितनी नफरतें हैं, कितना फुक्स और कीना है। एक भाई के घर में कुर्बानी हो रही है, एक भाई के घर में कुर्बानी हो रही है, बेहतरीन मोटा ताजा बकरा लाया, भेड़ा लाया, जुम्बा लाया, उसी का सगा भाई है, एक ही मां और एक ही बाप की औलाद है, सगा भाई है, गरीब है, कमजोर है, ये पूरे मोहल्ले में गोश्त बांट रहा है, भाई के घर में गोश्त नहीं बांट रहा है, क्योंकि कुछ आपस में तनाजा है, कुछ झगड़ा है, कुछ इख्तलाफ है। कोई घर ऐसा नहीं, कोई खानदान ऐसा नहीं जहां झगड़े ना हो, जहां कीने ना हो, जहां कपट ना हो। भाई हम जानवर तो बड़ा देखभाल के खरीदते हैं, हमारे पास फोन आते हैं लोग, मौली साहब कान कटा है कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, मौली साहब सींग थोड़ा सा हिल रहा है कुर्बानी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, दांत थोड़ा एक छोटा है एक बड़ा है हो जाएगी कि नहीं कुर्बानी। जानवर ऐबदार नहीं होना चाहिए, जानवर बेऐब होना चाहिए, और ये जो हमारे सीने में दिल है ये गंदगी से भरा हुआ है, ये कीना से भरा हुआ है, नफरतों से भरा है, अदावतों से भरा है, हसद है, बुग्ध है, अपने सगे भाई के खिलाफ नफरत है, और हम समझते हैं कि भाई हम 20,000 का बकरा ले आए, हमने अल्लाह का नाम लेके कुर्बानी कर दी और अल्लाह के यहां हम मुत्तकी बन गए। नहीं भाई, वो बकरा बाद में जाएगा, ये दिल, इस दिल के अंदर जो छुपा हुआ है वो पहले जाए। अल्लाह की कसम, अगर ये दिल साफ नहीं है, ये दिल गंदा है, ये दिल मैला है, ये दिल नापाक है, इस दिल में नफरत है, इस दिल में दुख है, इस दिल में हसद है, इस दिल में जलन है, ये दिल लेकर के हम जन्नत में नहीं जा सकते। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनके नाम पर आज हम ये कुर्बानी, जिनकी यादगार, जिनकी सुन्नत है, जिनकी सुन्नत को जिंदा करते हैं इस कुर्बानी के जरिए, हजरत इब्राहीम ने अल्लाह के बारगाह में दुआ की थी, वला तुख्ज़िनी यौम युबअथून यौम ला यन्फ़ऊ मालून वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। परवरदिगार मुझे कयामत के दिन तू जलील न करना, मुझे कयामत के दिन तू रुस्वा न करना, जिस दिन न माल काम आएगा ना औलाद काम आएगा। भाई आज गौर कर लो, 95% झगड़े या तो माल के लिए हो रहे हैं या औलाद के लिए हो रहे हैं। कयामत के दिन न ये माल काम आएगा ना ये औलाद काम आएगा। इंसान की सांस टूटती है, माल दूसरे का हो जाता है, औलाद थोड़ा साथ देती है, कफनाती है, दफनाती है, मिट्टी देती है, दो चार दिन आंसू बहाती है, उसके बाद औलाद भी अपने काम में लग जाती है। कयामत के दिन न माल काम आएगा ना औलाद काम आएगा। इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। कयामत के दिन अगर कोई कामयाब होने वाला है तो वही आदमी कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के अल्लाह की बारगाह में आएगा, जिसके दिल में कीना ना होगा, जिसके दिल में हसद ना होगा, जिसके दिल में दुख व अदावत के शोले ना होंगे, जिसका दिल सलीम होगा, पाक और साफ होगा, वो दिल वाला कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कामयाब होगा। नबी अकरम बैठे हुए सहाबा के साथ, एक सहाबी आते हैं वजू करके आ रहे हैं और दाढ़ी से उनके वजू का पानी टपक रहा है, हाथों में अपना चप्पल और जूता लिए हुए। उनके आने के पहले अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अभी इस दरवाजे से एक जन्नती आदमी आने वाला है। साहब-ए-किराम की नजरें दरवाजे की तरफ लग जाती है। साहब-ए-किराम देखते हैं कि एक अंसारी सहाबी, मदीना के रहने वाले एक अंसारी सहाबी, जिनका नाम भी
कोई हदीस के अंदर नहीं लिया गया, यानी कोई बहुत मशहूर सहाबी नहीं, आम सहाबी नहीं। इस सहाबा में भी मरातिब है, सहाबा तो सब काबिल एहतराम है, लेकिन एक होता है कि बड़े सहाबी है, मशहूर सहाबी है, और एक ये है कि भाई सहाबी है, नाम नहीं पता, सहाबी है, आम सहाबी है, अंसारी सहाबी है, वजू करके आ रहे, हाथों में जूता लिए। अगले दिन अल्लाह के प्यारे नबी अपने सहाबा के साथ बैठे होंगे, वही जुमला इरशाद फरमाते, यदखुलु मिन हाज़ल बाब रजुलुन यदखुलुल जन्ना। ऐ मेरे सहाबा, अभी इस दरवाजे से एक आदमी आने वाला है जो जन्नत के अंदर जाएगा। सहाबे किराम की नजरें दरवाजे पर लग जाती हैं, क्या देखते हैं कि वही अंसारी सहाबी उसी हालत में वजू करके आ रहे हैं, वजू से दाढ़ी से वजू का पानी टपक रहा है और हाथों में चप्पल लिए हुए मस्जिद पेश आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रजी अल्लाह तआला किसी को बताए बगैर उस अंसारी सहाबी के पीछे लग जाते हैं और उनके पीछे पीछे उनके घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। अंसारी सहाबी दरवाजे में दाखिल हुए, पलट के देखा, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बड़े मशहूर सहाबी खड़े हैं। हमारे यहाँ एक दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए तो दूसरे दिन औरतों के माथे पर बल पड़ जाता है। मेहमान मतलब मुसीबत, मेहमान मतलब टेंशन, जबकि आज हमारे पास पैसा है, घर है, मकान है, फरावानी है दौलत की, मगर ये जो सीने में दिल है ना, ये सिकुड़ के छोटा होता जाता है। सहाबे किराम के मकान छोटे थे, मकान कच्चे थे, मकान खपरेल के थे, मगर दिल बहुत बड़ा था मेरे भाई। हजरते अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस ने यहां जो बात बताई, बिल्कुल अचानक बताई, मैं 3 दिन आपके घर में रहना चाहता हूं। अंसारी साहबी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप मेरा घर आपका घर है, आइए, कोई रिश्तेदारी नहीं है, बस इस्लाम का रिश्ता है, दोनों मुसलमान भाई हैं, दोनों नबी के सहाबी हैं। अंसारी सहाबी ने अपने घर में 3 दिन क़याम करने की इजाजत दी। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस कहते हैं, मैंने 3 दिन तक उस अंसारी सहाबी के घर में मैंने 3 दिन गुजारा। मेरा मकसद उनके घर में रोटी खाना नहीं था, मेरा घर, मेरा मकसद उनका मेहमान बनना नहीं था, मेरा मकसद तो ये था, मैं देखना ये चाहता था कि ये कौन सी ऐसी खास बात है इनके अंदर, कौन सा ऐसा ये अमल करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने लगातार 3 दिन को जन्नती कहा है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं 3 दिन तक मैं रहा, मैंने देखा 5 टाइम की नमाजें हम भी पढ़ते हैं, 5 टाइम की ये भी पढ़ते हैं, तहज्जुद की नमाज भी मैंने उनको पढ़ते हुए नहीं देखा। मेहनती आदमी थे, मजदूर आदमी थे, रात में सो जाते तो सीधे फजर की नमाज में उठते थे, हाँ रात में अगर कभी नींद खुल जाती थी तो अल्लाह का नाम उनकी जुबान पर आता था, जिक्र करते रहते थे, अल्लाह का नाम लेते रहते थे, मगर तहज्जुद भी मैंने उनको पढ़ते हुए नहीं देखा। 3 दिन गुजर गए, मैंने कहा है मेरे अंसारी भाई, मैं सच आपको बता रहा हूं, ना तो मेरे वालिद से मेरा कोई झगड़ा हुआ था, ना मैंने कोई कसम खाई थी, मैं तो 3 दिन बस आपके साथ टाइम गुजारना चाहता था, मैं देखना चाहता था कि आपके अंदर कौन सी ऐसी खास बात है कि अल्लाह के रसूल ने आपको जन्नती कहा है, लेकिन माफ कीजिए, मैंने कोई चीज आपके अंदर ऐसी महसूस की, अब आप ही बता दीजिए कि क्या वजह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगातार 3 दिन आपको जन्नती करा। अंसारी साहब ही जवाब देते हैं, ऐ अब्दुल्ला बिन अम्र, हकीकत यह है मैं एक आम सा मुसलमान हूं, मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, लेकिन हां एक चीज है मेरे अंदर, हो सकता है कि शायद उसकी वजह से अल्लाह के रसूल ने ये बात इरशाद की फरमाई हो, ला अजिदु फी कल्बी गिशन लिअहद मिन المسلمين, मेरे अंदर ये खास बात है कि मेरे दिल में किसी मुसलमान के लिए धोखा नहीं होता है, फ्रॉड नहीं होता है, अपने दिल में मैं किसी मुसलमान के लिए कीना नहीं रखता हूँ,
वला अहसुदु आदम अला नेमतिन अनअमहु अल्लाहु लिया। और अगर अल्लाह ताला किसी को कोई नेमत देता है, किसी को कोई नेमत देता है, मैं उस नेमत पर कभी हसद नहीं करता हूँ। मेरे दिल में हसद नहीं है, मेरे दिल में धोखा नहीं है। ये दो चीजें हैं। हो सकता है शायद इस वजह से ये इज्जत मुझे मिली हो। हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने कहा, यकीनन यही वजह है। अल्लाह के रसूल ने अपनी जुबान से जो मकाम आपने बयान किया वो इसी वजह से। ये नबी के सहाबा थे। आज हमारे दिल कीनों से भरे हैं। हर आदमी के अंदर एक अना है, एक गुरूर है, एक अहंकार है। मैं कुछ हूं, मैं कुछ हूं। अल्लाह को सबसे ज्यादा अगर कोई चीज ना पसंद है तो मैं ना पसंद। अल्लाह को मैं पसंद नहीं, अल्लाह को अना पसंद नहीं, अल्लाह को अहंकार पसंद है। दुनिया में सबसे पहला अहंकारी, सबसे पहला अनानियत वाला आदमी, सबसे पहले मैं की रट लगाने वाला इबलीस। अल्लाह ने कहा आदम के आगे सजदा कर, इबलीस ने कहा नहीं करूंगा। अना खैरुम मिन, मैं बेहतर हूं आदम से, मैं सजदा नहीं करूंगा। अल्लाह ने कहा फखरुज मिन्हा, निकल जा मर्दूद हमारी बारगाह से, हमारी बारगाह में हमारी रहमत में तू रहने के काबिल नहीं है। जो अना, जिसके अंदर अना हो, जिसके अंदर गुरूर हो, जो मैं करता हो, वो अल्लाह की रहमत में नहीं रह सकता। अल्लाह को अना पसंद नहीं है। आज इंसान इस अना के चक्कर में भाई से रिश्ता तोड़ के बैठा, बहन से रिश्ता तोड़ के बैठा, मां से रिश्ता तोड़ के बैठा, बाप से बात नहीं कर रहा है। भाई मां, चलो मैं मान लेता हूं मां से गलती हुई, बाप ने गलत बोल दिया। मां ने जितनी बड़ी भी गलती कर दी वो है आपकी मां। बाप ने आपके साथ जितना भी नाइंसाफी को है तो आपका बाप। भाई आजर इब्राहिम के बाप थे ना, इब्राहिम अपने बाप को अब्बा जान कह के मुखातब कर रहे हैं और आजर कह रहा है निकल इब्राहिम मेरे घर से, निकल जा, अपनी हरकत से बाज आ जा, तुझे मार डालूंगा। मगर आपको एक कुरानी आयत ऐसे जाके दिखा दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के साथ बदतमीजी, अपने बाप का पलट के जवाब दिया हो, अपने बाप के साथ ऊंची आवाज में बात। मेरे प्यारे साथियों, अगर माँ बाप दुनिया का सबसे गलत काम करें, शिर्क करें, मैं शिर्क से बड़ा गलत काम तो कोई नहीं। अगर माँ बाप मुशरिक हैं और माँ बाप आपको दबाव डाल रहे हैं आपके ऊपर कि आप शिर्क करें, तो कुरान क्या कहता है, वह इन जाह वालिदैन की गलत बात मत मानो, अपनी माँ की गलत बात मत मानो, अपने बाप की गलत बात मत मानो, लेकिन एहतराम मत छोड़ो, उनके साथ उसने सुलूक मत छोड़ो, आपका मकाम पहचानते रहो, माँ का मकाम पहचानते। आज लोग माँ से नाराज हैं, बाप से बातचीत बंद है, भाई से रिश्ता नाता बंद है। क्यों? नाक कट जाए। अरे इतनी ऊंची नाक लेके कहां जाओगे भाई? ये नाक किसी मिट्टी में मिलनी है, इस नाक को खाक आलू होना है। इंसान अपनी औकात भूल जाता है। अयहसब अलइंसान अन युत्रक सुदा अलम यकुन नुत्फतम मिन मनी युम्ना। ऐ इंसान, तू मनी के कतरे से, एक हकीर पानी के कतरे से तुझे पैदा किया गया है। हल अता अल इंसान मिन दहर लम यकुन शैयन मस्कूरा। ऐ इंसान, तू याद कर तेरी जिंदगी में कैसा भी दौर आया था जब तू कुछ नहीं था। भाई अब्दुल गफ्फार साहब, आज जो उनको साहब कहते हैं, एहतराम से नाम लेते हैं उनका, मगर जब वो पैदा नहीं हुए थे तो उनको जानता नहीं था। रजाउल्ला साहब आज आलिम है, हाफिज है, लोग इज्जत करते हैं, सलाम करते हैं, जब ये दुनिया में इन्होंने जन्म नहीं लिया तो इनको जानते हैं। इंसान के ऊपर एक ऐसा दोष है मजबूरा, वो कोई काबिले जिक्र चीज नहीं था, कोई नाम भी नहीं जानता था।
तो जो इंसान मिट्टी से पैदा हुआ, एक हकीर पानी के कतरे से पैदा हुआ, वो इंसान तकब्बुर करे, वो घमंड करे, वो गुरूर करे, इंसान को गुरूर से मिले। एक बहुत बड़ा मगरूर था जो अपने आप को रब कहता था। फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम उसके सामने तौहीद बयान कर रहे, तो अल्लाह का मजाक उड़ा रहा है, वमा रब्बुल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन कौन है? अपने दरबारी हमान से कहता, हमान एक ऊंचा सा महल बनाओ, महल की सीढ़ी पे चढ़ के देखूं मूसा का रब कैसा है, मैं जरा झांक के देखूं मूसा के रब को देखूं मैं। फिरौन अल्लाह का मजाक उड़ा रहा है, फिरौन रब का मजाक उड़ा रहा है। अंजाम क्या हुआ? अल्लाह ने पानी में डुबा डुबा के मारा और मारा, लेकिन डेड बॉडी को बचा के रखा। फिरौन मर गया, मगर उस मनहूस की डेड बॉडी आज भी मिस्र के अंदर रखी हुई है और दुनिया को दावत इबरत दे रही, देखो अल्लाह का मजाक उड़ाने वालों का ये अंजाम। और जब फिरौन मरा है तो अल्लाह ताला ने सूरह तूफान के अंदर एक बड़ी अजीब बात, कम तरकू मिन जन्नातिन व उयून व ज़ुरूइन व मक़ामिन करीम व नअमतिन कानू फीहा फ़ाकीन कज़ालिका व औरतनाहा क़ौमन आख़रीन। मेरे बंदो देखो, फिरौन के पास कितने बड़े बड़े बागात थे, कितने बड़े बड़े महल थे, कितनी दौलत थी, कितना सामान था। आज फिरौन दुनिया से चला गया, उस महल में कोई और रहेगा, उस बात का फल कोई और खाएगा, उसकी प्रॉपर्टी में कोई और रहेगा। यही दुनिया का अंजाम है मेरे भाई, यही दुनिया का अंजाम। ये जमीन, ये जायदाद, ये घर, ये मकान, जिसके लिए ये झगड़े हैं, ये नफरत है, ये अदावत है, इस घर में कितने दिन रहेंगे भाई? जाहिर है जितने दिन हमारी जिंदगी उतने दिन हम रहेंगे, और ये जिंदगी कितने दिन की है इसकी कोई गारंटी नहीं। कोरोना का दौर है, आदमी बीमार होता है, हॉस्पिटल जाता है, आज खबर आई बीमार है, अगले दिन इंतकाल ही की खबर आ रही है। ये हालात है, कज़ालिका व औरसनाहा क़ौमन आख़रीन, बड़े बड़े महल थे फिरौन के, आज बारिश कोई और बन गया। तो भाई अना को त्याग दो, जानवर की गर्दन पे छुरी चलाना सुन्नत है, लेकिन अना की गर्दन पे छुरी चलाना फर्ज है। जानवर की गर्दन पे हमने छुरी चलाई, अपनी अना को हम कुर्बान करने को तैयार नहीं, भाई भाई से मिलने के लिए तैयार नहीं है, बाप अपने बेटे को माफ करने के लिए तैयार नहीं है, माँ अपने बेटे को गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? शैतान नहीं चाहता है, शैतान चाहता है कि भाई भाई में झगड़ा हो, शैतान चाहता है कि परिवार बिखर जाए, शैतान चाहता है पड़ोसी पड़ोसी में खटपट रहे, और मेरा रब चाहता है कि हम मिल जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, हर सोमवार के दिन और हर जुमे रात के दिन अल्लाह ताला मगफिरत करता है हर उस बंदे की जो शिर्क न करता हो। अल्लाह, शिर्क नहीं है, अल्लाह माफ कर दे। हर सोमवार के दिन, एवरी मंडे एंड एवरी थर्सडे, हर जुमेरात के दिन और हर सोमवार के दिन अल्लाह ताला मगफरत करता है किसकी? लिकुल अब्दुल्ला युशरिकु बिल्लाहि शैआ, जो बंदा अल्लाह के साथ शिर्क न कर। लेकिन अल्लाह ताला जब लोगों की मगफरत करता है तो कुछ लोगों की लिस्ट बनाई जाती कि इनकी मगफरत नहीं की जाएगी। इल्ला रजुलुन कानत बैनहु व बैन अखीही शहना, जिसका उसके भाई के साथ झगड़ा हो, उसके मुसलमान भाई के साथ दुश्मनी हो, नफरत हो, अदावत हो, अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से कहता है अनज़िरू हाज़ैन हत्ता यस्लिहा, अंजिरूहा ज़ैन हत्ता यस्लिहा, अंजिरूहा ज़ैन हत्ता यस्लिहा। ए मेरे फरिश्तों, ये दोनों जो आपस में झगड़ा करके बैठे हैं, इतनी नफरत है कि बात नहीं करते हैं, इन दोनों की मगफरत मत करो,
इनके मामले को अभी टाल दो, जब तक ये सुलह नहीं कर लेंगे, जब तक ये गले नहीं मिल लेंगे, जब तक ये नफरत खत्म नहीं कर लेंगे, तब तक इनकी मगफरत नहीं। कितने बदनसीब हैं। अल्लाह हमें माफ करना चाहता है, अल्लाह हमारी बख्शिश करना चाहता है, हम अपने दिल में नफरत पाल के बैठे, नहीं हम दुश्मनी रखेंगे, हम भाई से नहीं मिलेंगे, हम चचा से नहीं मिलेंगे, हम दादा से नहीं मिलेंगे, हम नफरत पाल के बैठे, अल्लाह की मगफरत से अपने आप को महरूम कर। क्यों मेरे भाई, अगर आप झगड़ा खत्म कर देंगे, सुलह कर लेंगे, मिल लेंगे, छोटे हो जाएंगे, आपका कद छोटा हो जाएगा? नहीं नहीं, माफ कर देने से, सुलह कर देने से आप छोटे नहीं होंगे, अल्लाह के आपका मकाम और बढ़ जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहु अल्लाह। जब कोई बंदा अपने आप को छोटा समझ ले, अपने आप को कमतर समझ ले, अपने आप को हकीर समझ ले, जो बंदा अपने अंदर तवाज़ो पैदा कर ले, नरमी पैदा कर ले, अपने आप को छोटा बना ले अल्लाह के लिए, अल्लाह उसको बड़ा बना देगा, अल्लाह उसको इज्जत दे देगा। तुम अल्लाह के लिए अपने आप को छोटा बना लो, अल्लाह तुम्हें दुनिया के लिए बड़ा बना। कानपुर से बहुत दूर नहीं है दिल्ली, आज से 100 साल पहले उस दिल्ली के अंदर एक मर्द मोमिन था। अल्लाह ने उस मर्द मोमिन की के दर्स में इतनी बरकत रखी थी, हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे से ही नहीं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो उस जमाने में अलग अलग नहीं थे, वहां के तलबा आते थे, और बिहार की सरजमीन के उस मर्द मोमिन के दर्स में शामिल होते थे। दुनिया उस मर्द मोमिन को मियां साहब के नाम से याद करती है, सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस के नाम से याद करती है। वो अल्लाह का बंदा, अपने दौर का, हिंदुस्तान का इल्म हदीस का सबसे बड़ा माहिर, जिसके दर्स में हजारों लोग शामिल होते थे, वो अल्लाह का बंदा रात के अंधेरों में दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर कुली का काम करता था। वो अपने खर्चे के लिए, अपने बाल बच्चों का पेट पालने के लिए रात के अंधेरों में जाता था, मुसाफिरों के सामान अपनी पीठ पे ढोया करता था। एक दिन एक शागिर्द ने देखा अपने उस्ताद मोहतरम को ये काम करते हुए, शागिर्द की आंख में आंसू आ गए, और शागिर्द ने आकर के ये राज अगले दिन मदरसे में खोल दिया, हमारे उस्ताद रात की तारीकी में ये काम कर। जिस बंदे ने अपने को छोटा बनाया, अल्लाह ने उस बंदे को इतना ऊंचा मकाम दिया। आज अगर हिंदुस्तान की सरजमीन में कई अहले हदीस इदारा है और वहां हदीस पढ़ाई जाती है, तो वो हदीस का सिलसिला कहीं ना कहीं मियां साहब सैयद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी पर जाकर के मिल जाता है। मेरे भाइयों, जो अपने आप को छोटा बना ले, अल्लाह उसको ऊंचा बना दे। झगड़े खत्म करो मेरे भाई, शैतान के फेर में मत पड़ो, शैतान के चक्कर में न पड़ो। मेरे नबी ने फरमाया, 3 दिन से ज्यादा किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं कि 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से ताल्लुक तोड़ दे, अपने मुसलमान भाई से कते ताल्लुकी करे, मुसलमान के लिए जायज नहीं। एक वाक्य आपको सुनाता हूं, सही बुखारी का वाक्य है। अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, इनकी एक बहन थी, उनका नाम था अस्मा, बड़ी बहन थी। अस्मा रजी अल्लाह तआला की शादी हुई थी हजरत जुबैर से। गोया हजरत अस्मा अल्लाह के रसूल की साली थी और हजरत जुबैर अल्लाह के रसूल के साड़ू थे। हजरत जुबैर के बेटे थे अब्दुल्ला बिन जुबैर, ये हजरत आयशा के भांजे थे। हजरत आयशा इनकी खाला थी, ये भांजे। जाहिर है खाला भांजे का रिश्ता भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। खाला जो होती है माँ के बराबर होती है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि खाला माँ के बराबर है। किसी का माँ का इंतकाल हो जाए, अगर खाला जिंदा हो तो खाला को वही दर्जा दो जो माँ को दे, खाला माँ के बराबर है। तो एक मरतबा हजरत आयशा ने कोई सौदा किया, कोई सामान खरीदा या बेचा, कोई सौदा किया,
तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को वो चीज पसंद नहीं आई, वो सौदा पसंद नहीं आया। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कहा कि वल्लाही लतंतहियन्ना आयशतु अव लअहजुरन्ना अलैहा, आयशा ये सौदा ना करें वरना मैं उनको रोकूंगा। अपनी खाला के बारे में कहा कि आयशा ये सौदा न करें, ये जमीन न खरीदें, ये सामान न खरीदें वरना मैं रोकूंगा, अल्लाह की कसम मैं अपनी खाला को रोकूंगा, आयशा को रोकूंगा। हजरत आयशा को ये बात पता लगी कि मेरे भांजे ने मेरा नाम लेकर के ऐसा कहा है, जाहिर है कि खाला को गुस्सा आएगा। हजरत आयशा को गुस्सा आया और गुस्से में हजरत आयशा ने कसम खाई, लिल्लाहि अलैया नज़्म अन ला उकल्लिम इब्न ज़ुबैर अबदा, मैं अल्लाह के नाम की नजर मांगती हूँ, मैं अल्लाह के नाम की कसम खाती हूँ, मैं आज के बाद कभी अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से बात नहीं करूंगी, अपने भांजे से बात नहीं करूंगी। खाला भांजे में दरार पड़ गया, खाला ने कसम खा ली मैं बात नहीं करूंगी अपने भांजे से। हमारे यहां क्या होता है, अगर खाला ऐसी कसम खा ले तो भांजा क्या कहेगा, भाड़ में जाओ तुम अपने घर में अपने घर। मगर वहां यह जज्बा नहीं था। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को एहसास हुआ कि मुझसे गलती हुई है, मुझे अपनी खाला के बारे में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अब खाला ने कसम खा ली है नजर मांगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने कुछ लोगों को सिफारिशी बनाने की कोशिश की कि भाई मेरी खाला से मेरी बात मनवा दो, हमारे बीच का झगड़ा चुका दो, लेकिन हजरत आयशा ने कहा अल्लाह की कसम मैं किसी की शफाअत नहीं मांगूंगी, मैंने कसम खाई है, मैंने नजर मानी है, मैं नजर नहीं तोड़ूंगी, मैं अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर से बात नहीं। लंबा टाइम गुजर गया, कई महीने गुजर गए, हमारे यहां फर्क नहीं पड़ता मगर सहाबा को फर्क पड़ता था। अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर के दिल में कांटे की तरह चुभ रहा है कि मेरी खाला मुझसे नाराज है, मेरी मां जैसी खाला मुझसे बात नहीं कर रही, मैं क्या करूं, कौन सी तरकीब निकालूं मैं अपनी खाला को मना दूं। बहुत गौर किया, गौर करने के बाद यह समझ में आया कि अम्मा आयशा अपने नबी से बहुत मोहब्बत करती, और जब नबी से मोहब्बत करती हैं तो जाहिर है कि नबी के रिश्तेदारों से भी बहुत मोहब्बत करती हैं। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर ने दो सहाबी को पकड़ा, एक सहाबी का नाम था मिसवर इब्न मखरमा और एक का नाम था अब्दुल रहमान इब्न अस्वद, और ये दोनों सहाबी कबीले बनू ज़ुहरा के थे। ये कौन सा कबीला था, ये अल्लाह के रसूल के नानिहाल वाला कबीला था, जिस कबीले की हजरत आमिना थी, और अल्लाह के नबी अपने नानिहाल के कबीले की बहुत इज्जत करते थे, बहुत एहतराम करते। अब देखिए हजरत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर का दिमाग, इन दोनों सहाबी को उन्होंने पकड़ा और अल्लाह का वास्ता देके कहा कि तुम लोग मुझे मेरी खाला के पास लेके चलो और ये झगड़ा खत्म करवाओ, इसलिए कि तुम लोग ये काम कर सकते हो, अम्मा आयशा तुम्हारी बात नहीं टालेंगी, तुम नबी के नानिहाल से ताल्लुक रखते हो, नबी के मामू लगते हो, तुम्हारी बात हजरत आयशा नहीं काटेंगी। बुखारी के अल्फाज हैं, हजरत अब्दुर्रहमान और हजरत मिसवर ये दोनों चादर ओढ़ करके अपना चेहरा छुपा करके हजरत आयशा के घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, सलाम किया, जो इजाजत लेने का तरीका है सलाम किया, और उसके बाद कहा अनदखुल, क्या हम अंदर आ जाएं। हजरत आयशा ने कहा ठीक है अंदर आ जाओ। फिर इन लोगों ने कहा अब कुल्लुना, क्या सब के सब अंदर आ जाएं। हजरत आयशा को पता नहीं कि साथ में अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर भी आए। हजरत आयशा ने कहा ठीक है सब लोग अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला, तीनों लोग अंदर दाखिल हुए। अब अंदर पर्दा लगा हुआ है, हमारे यहां खाला का लड़का आता है, चाची का लड़का आता है, मामू का लड़का आता है, हमारी जवान लड़कियां हैं सामने बैठ जाता है, भाई ये तो खाला की लड़कियां हैं, ये तो मामू की लड़कियां हैं, इनसे पर्दा करने की क्या जरूरत है, भाई वो गैर महरम है, वो अपनी खाला के लिए महरम है,
वो अपनी नानी के लिए गैर महरम है, वो अपनी माँ के लिए गैर महरम है, खाला की लड़कियों के लिए गैर महरम है, वो महरम नहीं है, खाला की लड़कियों के लिए गैर महरम है, हमारे यहाँ पर्दा नहीं है। खाला के लड़के आए लड़कियों के साथ बात कर रहे, मामू के लड़के आए लड़कियों के साथ बात कर रहे, या नबी के घर में नबी की बीवी जो सबकी माँ है, जिनको माँ का दर्जा दिया गया, ये तीनों जब घर में दाखिल हुए अंदर पर्दा लगा हुआ। अब ये दोनों लोग पर्दे के इस पार बैठे और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर पर्दे के उस पार जाते हैं और जाते ही अपनी खाला के गले लग जाते हैं और ज़ारो क़तार रोने लगते हैं, अल्लाह का वास्ता देते हैं कि खाला मुझे माफ करो, खाला मुझसे गलती हो गई, मैं आपको अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे माफ। उधर वो रो रहे हैं, वो माफी मांग रहे, इधर से ये दोनों कह रहे हैं, अम्मा आयशा आप नबी की बीवी हैं, आपने नबी की वो हदीस सुनी है, तीन दिन से ज्यादा किसी मुसलमान भाई से ताल्लुक तोड़ना हराम है, मना है, आप माफ कर दें, आप अपनी नजर तोड़ दें, आप अपनी कसम तोड़ दें, अपने भांजे को माफ कर दें। जरा मेरे भाइयों जरा सोचो, वो तसव्वुर करो वो माहौल कितना इमोशनल रहा। हजरत आयशा के गले लग के उनका भांजा रो रहा है, अल्लाह के नाम की दुहाई दे रहा है, और इधर से ये दोनों नबी की बीवी को नबी की हदीस सुना के उनको बता रहे हैं कि आप माफ कर दें। अम्मा आयशा कहती है नहीं नहीं, मैंने कसम खाई है, मैंने नजर मानी है, नजर का मामला बड़ा खतरनाक होता है, मैं नजर नहीं तोड़ूंगी, मैं नजर नहीं तोड़ूंगी। अम्मा आयशा अपनी नजर की बात कर रही है और ये दोनों लोग अम्मा आयशा को वो हदीस याद दिला रहे हैं कि तीन दिन से ज्यादा ताल्लुक तोड़ना जायज नहीं, हदीस के अल्फाज हैं। आखिर हजरत आयशा मान गई और अपने भांजे से बातचीत शुरू कर दी और उसके बाद अपनी जो उन्होंने नजर तोड़ी थी उस नजर को तोड़ने की वजह से हजरत आयशा ने 40 गुलाम आजाद किए। और बाद में जब हजरत आयशा इस वाक्य को याद करती थी और अपनी नजर को याद करती थी, ज़ारो क़तार रोने लगती थी और इतना रोती थी कि उनका दुपट्टा उनके आंसुओं से भीग जाता। मेरे भाई सहाबा भी इंसान थे, झगड़े उनके दरमियान भी हुए, गलत फहमियां उनके दरमियान भी हुई, मगर उन्होंने गलत फहमियों को आखिर खत्म किया और एक दूसरे को गले लगाया। ईद उल अज़हा का त्यौहार हमने मनाया, आज इस त्यौहार पर हमने जानवर कुर्बान किए, आओ नफरतों को भी कुर्बान करो, आओ नफरतों को भी जबा करो, ये दिलों में छुपे हुए कीने को भी खत्म करो मेरे भाई, और आओ एक दूसरे को गले लगा लो, एक दूसरे से दुश्मनियां जो पाल के बैठे हो खत्म करो। मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी थी खुतबे मसनूना के बाद, सूरह रात की आयत थी, अल्लाह ने फरमाया मेरे नेक बंदे वो होते हैं, मेरे जन्नती बंदे वो होते हैं, वल्लजीना यसलूना मा अमर अल्लाह बिही अय्युसल, वो रिश्तों को जोड़ते हैं जिसको जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है उस रिश्ते को वो जोड़ा करते हैं, वयखशौना रब्बहुम वयखाफूना सूअल हिसाब, और मेरे जन्नती बंदे अपने रब से डरते हैं और कयामत के दिन हिसाब देने से डरते हैं। सगे भाई का मकाम मामला तो बड़ा दूर का है, एक मुसलमान भाई आपका है, उसके साथ इस्लाम का रिश्ता है, कोई खून का रिश्ता नहीं है, शरीयत कहती है उससे भी तीन दिन से ज्यादा ताल्लुक मत करो। और जो आपका रिश्तेदार है, जो आपका चचा है, जो आपका दादा है, जो आपका भाई है, मेरे भाई उसके साथ तो डबल रिश्ता है, एक खून का रिश्ता है, एक इस्लाम का रिश्ता है। इसलिए शरीयत कहती है रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ो, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता काटने की कोशिश में। एक देहाती अल्लाह के रसूल के पास आया, देहात का रहने वाला बदवी है, आकर के कहता है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, ऐ अल्लाह के प्यारे नबी कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि अगर मैं वो अमल कर लूं मैं जन्नत में चला जाऊं। प्यारे नबी फरमाते हैं ताबुदुल्लाह वला तुशरिकु बिही शैया, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के साथ शिर्क मत करो, वतुकीमुस्सला नमाज कायम करो, वतुती ज़का ज़कात अदा करो, वत्तसिलु रहीम, और अपने रिश्तेदारों के साथ रिश्ता जोड़ो, रिश्तेदारों के साथ रिश्ता निभाओ। भाई रिश्तेदारी का बड़ा ऊंचा मकाम है मेरे भाई, रिश्तेदार अगर मुशरिक भी है, रिश्तेदार अगर काफिर भी है, तब भी शरीयत ये कहती है कि रिश्तेदारी निभाने की हद तक आप उसके साथ भलाई करें,
आप उसके कुफ्र के काम में सपोर्ट ना करें, उसके शिर्किया काम में सपोर्ट ना करें, मगर रिश्तेदारी को निभाएं। ला यदखुलुल जन्नत काटिहुन, रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अल्लाह के नबी कहते हैं रिश्ता काटने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। मेरे भाई, हम इंसान हैं, इंसान लोगों से अलग थलग नहीं रह सकता, हमें इसी समाज में रहना है, हमें इसी समाज में रिश्तों के बंधन में बंध के रहना है। और जब रिश्तों के बंधन में बंध के रहेंगे तो वो कहते हैं ना, जहां चार बर्तन होते हैं तो आपस में टकराते हैं, टकराव होगा, तकलीफ पहुंचेगी। कुछ लोग जुबान से बदतमीजी करेंगे, कुछ लोग अपने अमल से बदतमीजी करेंगे। आपको सब्र का मादा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त का मादा अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, अल मुमिनु लजी युखालिकु अन्नास व यसबिरु अला अज़ाहुम खैरुम मिम्मन ला युखालिकु अन्नास व ला यसबिरु अला अज़ाहुम। जो मुसलमान लोगों के साथ मिलजुल करके रहता है और लोगों की तकलीफ पर सब्र करता है, लोग उसे तकलीफ पहुंचाते हैं, लोग उसे ईजा पहुंचाते हैं, वो सब्र से काम लेता है, वो उससे बेहतर है जो कोठरी में बंद रहता है, जो किसी से मिलता जुलता नहीं है, जो किसी से ताल्लुक नहीं रखता है। बेहतर वो है जो लोगों से घुल मिल करके रहे। आपका काम जोड़ने का होना चाहिए, आपका काम तोड़ने का नहीं होना चाहिए। जानते हो अल्लाह के नबी ने मुसलमान के साथ मिसाल क्या दी है? बड़ी प्यारी मिसाल दी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल मुमिनु लिल मुमिनी कल बुनियान यशुद्दु बअसहु बअसा। मोमिन मोमिन के लिए इमारत की तरह है, मोमिन मोमिन के लिए बिल्डिंग की तरह है। बिल्डिंग की हर ईंट दूसरी ईंट को ताकत दे रही है। बिल्डिंग से एक ईंट भी निकाल दे, बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। बिल्डिंग से पिलर को हटा दे, बिल्डिंग गिर जाएगी, बिल्डिंग कमजोर हो जाएगी। मोमिन मोमिन को ताकत देता है, मोमिन मोमिन को सपोर्ट करता है, मोमिन मोमिन की मदद करता है, मोमिन मोमिन को कमजोर नहीं करता है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मसलुल मोमिनीना फी तवादिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। मुसलमानों की आपस की मोहब्बत की मिसाल ऐसी है जैसे एक इंसान का शरीर होता है, एक इंसान की बॉडी होती है। इंसान के बदन में कहीं पर भी तकलीफ होती है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है, कांटा पैर में चुभता है, आंसू आंख में आते हैं। आज महाराष्ट्र के अंदर, आज कोकण के अंदर, आज चिपलून के अंदर, आज महाड के अंदर सैलाब आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है। लोगों के पूरे घर गर्दन तक पानी भरा है, हफ्तों से लोग अपने घरों में कैद हैं, सैकड़ों लोग मर चुके हैं, सैकड़ों लोग भूख से तड़प तड़प के मर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं। मेरे भाई, हमारा उनके साथ इस्लाम का रिश्ता है, हमारा उनके साथ तौहीद का रिश्ता है। उनका दर्द हमारे दिल में होना चाहिए, उनकी मदद का जज्बा हमारे दिल में होना चाहिए, उनकी मदद हम बढ़ चढ़ करके करें ये सोच हमारी होनी चाहिए। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मुसलमान मुसलमान का ऐसा खैरखा होता है, ऐसा हमदर्द होता है, ऐसा उनका भाई होता है। सही मुस्लिम की एक हदीस है, उस हदीस को अपने दिल के किसी कोने में बिठा लो, उस हदीस को याद कर लो। अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई होता है, ला यज़लिमुहु वला युस्लिमुहु, मुसलमान मुसलमान पर जुल्म नहीं करता, मुसलमान मुसलमान को बेसहारा नहीं छोड़ता। मन काना फी हाजति अखीही कानल्लाहु फी हाजतिही, जो अपने भाई की मदद में लगा रहता है अल्लाह उसकी मदद में लगा रहता है। आज हम कारोबार को लेकर के परेशान हैं, आज हमारे सामने माशी मसाइल हैं, लोगों के कारोबार बंद हैं, लॉकडाउन की वजह से कारखाने बंद हैं। मेरे भाई, लोग पूछते हैं मौली साहब कोई दुआ बता दीजिए, कोई वजीफा बता दीजिए, कारोबार चलने लगे, फैक्ट्री चलने लगे, कारखाने चलने लगे। भुखमरी की नौबत आ गई, गुर्बत की नौबत आ गई, फाके की नौबत आ गई। मेरे भाई, कोई ऐसा वजीफा नहीं है कि आसमान से सोना और चांदी गिरेगा, कोई ऐसी दुआ नहीं है कि आसमान से मन्नो सलवा उतरेगा। आपको काम करना है, मेहनत करना है, कोशिश करनी है, कदम बढ़ाना है, और साथ में ये जो शरीयत ने कुछ तरीके बताए हैं कि दूसरों की मदद करो, आप दूसरों की मदद करोगे अल्लाह गैब से आपकी मदद करेगा, आपको रोजी रोटी का ऐसा इंतजाम अल्लाह कर देगा कि आप सोच नहीं सकते।
اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَمَن نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ قُرْبَةً مِنْ قُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِنْ قُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ جو کسی مسلمان کی دنیا کی کوئی تکلیف دور کر دے اللہ اس کی قیامت کے دن کی تکلیف کو دور کر دے گا وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ اور جو کسی پریشان حال تنگ دست مشکل میں پڑے ہوئے انسان کے ساتھ آسانی کرے یسر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے گا وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا اور جو کسی مسلمان کے اوپر پردہ ڈال دے سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ قیامت کے دن اس کے اوپر پردہ ڈال دے یہ تعلیم ہے میرے بھائی ہماری شکل ہم اپنے بارے میں نہیں چاہتے کوئی ہمیں گالی دے ہم اپنے بارے میں نہیں چاہتے کوئی ہماری بہن بیٹی کو غلط نظر سے دیکھے کوئی ہماری غیبت کرے کوئی ہماری چگلی کرے ہم دوسروں کی چگلی کر رہے ہیں دوسروں کی غیبت کر رہے ہیں دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایت ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے بڑی پیاری مثال دی فرمایا کہ المومن مرآت المومن مومن مومن کے لیے آئینہ ہے کیوں کہا آئینہ آئینے کے سامنے کبھی کھڑے ہو جائیے آئینہ آپ کا عیب آپ کو بتائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئینے کے سامنے عبدالغفار صاحب کھڑے ہوں اور وہ لئی قیمت کے چہرے کا تل بتا دے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا وہ آپ کے چہرے کا تل بتائے گا آئینہ جھوٹ نہیں بولتا آئینہ اتنا ہی بتاتا ہے جتنا آپ کے اندر ہو آپ گورے ہیں آئینہ گورا بتائے گا آپ کالے ہیں آئینہ کالا بتائے گا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے مومن مومن کے عیب کو تنہائی میں اس کی اصلاح کے لیے بتاتا ہے بھائی میرے اندر کوئی خامی ہے کوئی کمی ہے اور آپ میرے مسلمان بھائی ہیں آپ میری بھلائی چاہتے ہیں ہمدردی چاہتے ہیں میری تو آپ شجاعت گنج کے بازاروں میں اور چائے کے ہوٹلوں میں اور لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے عبدالغفار صاحب کا عیب اگر بتاتے ہیں تو آپ میرے خیر خواہ نہیں اگر آپ میرے خیر خواہ ہوتے تو آپ تنہائی میں مجھے سمجھاتے مولانا صاحب آپ کا یہ کام صحیح نہیں ہے آپ کی یہ بات صحیح نہیں مومن مومن کے لیے آئینہ ہے اچھا آئینہ آپ کا عیب آپ کو بتاتا ہے کسی اور کو نہیں بتاتا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے مومن اگر مومن کا عیب بتاتا ہے تو اسے بتاتا ہے وہ غیبت نہیں کرتا ہے وہ چغلی نہیں کرتا ہے وہ بازاروں میں نہیں پھیلاتا ہے وہ مومن کا عیب مومن کو بتاتا ہے کتنی پیاری مثال اللہ کے نبی نے دی کہ مومن مومن کے لیے آئینہ ہے کسی مسلمان کے اندر اگر کوئی عیب ہے تو میرے بھائی اس کی مدد کرو اس کی اصلاح کرو اگر کسی مسلمان کے اوپر کوئی الزام لگ رہا ہے کوئی تہمت لگ رہی ہے تو اس کا ڈیفنس کرو اگر وہ الزام جھوٹا ہے تو مزے نہ لو چلو بھائی ہمارا دشمن ہے لوگ برائی کر رہے اچھی بات ہے نہیں آپ کے دشمن کی بھی لوگ برائی کر رہے ہیں اگر وہ آپ کا مسلمان بھائی ہے تو آپ صحیح بات کو بیان کرو بھائی آج محرم کا مہینہ آنے والا ہے لوگ یزید ابن معاویہ کو دنیا بھر کی بری بھلی باتیں کرتے ہیں دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں ہم اسی منبر پہ کھڑے ہو کے ایسا بھی ہوتا ہے یزید کا ڈیفنس کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں بھائی یزید کے اوپر یہ الزامات جھوٹے ہیں یہ ثابت نہیں ہے کیا ضرورت ہمیں ہے کوئی سوال کر سکتا ہے ضرورت کیا ہے یزید نے جو کیا ان کا عمل ان کے ساتھ اگر کوئی یزید کو گالی دیتا رہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی ایک عام مسلمان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ترمذی کی روایت ہے من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہ النار یوم القیامہ جو اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا ڈیفنس کرے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرے اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آنکھ سے بچائے عام مسلمان کی باتیں ہمارے دور کے مسلمان کی باتیں یزید کا تعلق تو صحابہ کے دور سے تھا تابعین کے دور سے تھا اگر جھوٹے الزام لگائے جا رہے ہیں تو اس منبر پہ کھڑے ہو کے ہم یزید کا بھی ڈیفنس کریں گے اور کرنا چاہیں تو بھائیو ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانو ایک دوسرے کا احترام کرو ایک دوسرے کو معاف کر دیا کرو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو بات ختم کرتے ہوئے اتنا کہوں گا آج والدین کے حقوق پر تقریر ہوتی ہے
आज औलाद के हुकूक पर तकरीर होती है, आज पड़ोसी के हुकूक पर तकरीर होती है, मगर एक और हुकूक में एक और कड़ी है जिस पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। मुसलमान के मुसलमान पर क्या हुकूक, मुसलमान के आपस में क्या हुकूक है, इसको भी मेरे भाई सीखने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। एक हदीस सुना के बाद खत्म कर रहा हूं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं सही मुस्लिम की रिवायत है कि मुसलमान का मुसलमान के ऊपर 6 हक है। मुसलमान का मुसलमान के ऊपर 6 हक है। इज़ा लकीतहु फसल्लिम अलैह, जब मुसलमान से मुलाकात हो तो सलाम करो। भाई ये सलाम क्या है, दुश्मन भी मिल रहा है और सलाम सलाम कर रहा है, आप सलाम नहीं बन कर सकता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, दुश्मन से आप कह रहे हैं, आपके ऊपर अल्लाह की तरफ से सलामती आए, रहमत आए, बरकत आए। कितना प्यारा है ये जुमला, ये दुआ है और ये इंटरनेशनल दुआ है। आप हज करने जाएं, आप हिंदुस्तान के हैं, अमेरिका का गोरा मिलेगा उसको भी आपको यही सलाम करना है, अफ्रीका का काला मिलेगा उसको भी यही सलाम करना है, और चाइना और जापान का चपटी नाक वाला मिलेगा उसको भी यही सलाम करना है। ये सलाम है, ये मुसलमान का इंटरनेशनल आधार कार्ड है, ये हमारी आईडी है। सलाम कर दिया तो समझ में आ गया भाई ये मुसलमान है। ये सलाम एक दुआ है, ये सलाम सामने वाले के लिए एक गुलदस्ता है मोहब्बत का। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा सलाम को फैलाओ, सलाम फैलाने से मोहब्बत बढ़ती है। तो पहला हक ये है, मुसलमान से मिलो तो सलाम करो। दूसरा हक वईजा दाका फाजिब, और जब आपका मुसलमान भाई आपको दावत दे, अकीका की दावत है, वलीमा की दावत है, नया मकान बनवाया है उसकी दावत है, बच्चे ने क्लास में फर्स्ट किया उस खुशी में उसने दावत दे दी, किसी हराम चीज की दावत ना हो, किसी हराम काम की दावत ना हो, अगर जायज दावत है, हलाल दावत है, अगर बर्थडे की दावत है, अगर मैरिज एनिवर्सरी की दावत है, ऐसी दावतों में जाने से परहेज करें। हाँ, जो जायज और हलाल दावतें आपका मुसलमान भाई आपको दे रहा है, तीजा में और 40वें में अगर बुला रहा है तो ऐसी दावत में न जाएं। हाँ, अकीका है, वलीमा है, नए मकान की खुशी में वो दावत दे रहा है, किसी खुशी के मौके पर वो दावत दे रहा है, आप दावत को कबूल करें, ये भी उसका हक है। वही दस्तन सहफन सा लहू, और मुसलमान का मुसलमान पर तीसरा हक ये है कि जब आपका मुसलमान भाई आपसे मशवरा मांगे, आपसे नसीहत मांगे, तो आप सही मशवरा दें। रिश्ते नाते के मामले में, कारोबार के मामले में, लेन देन के मामले में लोग मशवरा करते हैं, कोई मशवरा अगर करे तो बिल्कुल सही मशवरा दो, उसको धोखा ना दो, उसको नुकसान ना पहुंचाओ। चौथा हक वईजा अतीसा फहमिदल्लाह फशम्मिहु, मुसलमान अगर आपके सामने छींकता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहता है तो आप जवाब में यरहमुकल्ला कहें। पांचवा हक वईजा मरीद फउधु, अगर आपका मुसलमान भाई बीमार हो जाए तो उसकी अयादत करें, उसकी खबरगीरी करें, उसकी हालचाल ले जा करके पूछें। या तो अपने रिश्तेदारों से हम पंगा करके बैठेंगे, अरे वो बीमार है, मर जाए मैं उसके मिट्टी में नहीं जाऊंगा। या अल्लाह के रसूल कह रहे हैं मुसलमान का मुसलमान पर हक है, वो बीमार है, जाओ उसकी अयादत करो। और आखिरी छठा हक ये वईजा माता पत्तबी हूँ, मुसलमान का इंतकाल हो जाए, उसकी मौत हो जाए, तो तुम उसके जनाजे में जाकर के शिरकत करो। मेरे भाइयों, इन हुकूक को आज समझो और इनको अपनी सोसाइटी में अपनाओ। आज ईद उल अजहा के इस त्योहार के मौके पर, इस खुशी के मौके पर मेरा यही पैगाम है मेरे भाई कि नफरतों को कुर्बान करो, नफरतों को ज़बह कर दो, दिल के हसद और कीना को खत्म कर दो, इस दिल को पाक और साफ करके लेके जाओ। साफ दिल लेकर के जाना भी इब्राहिम की सुन्नत है। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको अपने दिलों को हसद से, कीना से, कपट से पाक करने की तौफीक अता फरमाए। रब्बुल आलमीन हमारी कुर्बानी को, हमारी नमाजों को और हमारी जुमला इबादतों को कबूल फरमाए। जो हमने बीमार हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। जो रोजगार से परेशान हैं, कारोबार से परेशान हैं, रोजी रोटी से परेशान हैं, रब्बुल आलमीन उनके रिस्क में, उनके कारोबार में बरकत नसीब फरमाए। जो अपनी बहनों और बेटियों के रिश्ते के लिए परेशान हैं, अल्लाह उनको दीनदार नेक रिश्ते मुहैया फरमा दे।
जो ذہنی طور پر جسمانی طور پر کسی قسم کی تکلیف میں ہیں, بیماری میں ہیں, رنج و غم میں ہیں, اللہ سب کو عافیت عطا فرمائے, سب کو رنج و غم سے آسانی عطا فرمائے. اللہ ہر قسم کی وبا سے, ہر قسم کے وائرس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک کو ظالموں اور فرقہ پرستوں کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ملک کا امن و امان, چین و سکون رب العالمین ہم سب کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری مساجد کی, ہمارے دینی اداروں کی, ہمارے علماء کی, ہمارے دین کا کام کرنے والے دعات کی حفاظت فرمائے. رب العالمین ہمیں اس ملک میں دعوت دین کا کام منظم طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مہاراشٹر کے جن علاقوں میں سیلاب آیا ہے, ہمارے بہت سارے بھائی اس سیلاب کی زد میں ہیں اور بہت سارے اللہ کو پیارے بھی ہو گئے ہیں. اللہ اس سیلاب میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد فرمائے. اللہ ہم میں سے جو اہل خیر ہیں, جو صاحب استطاعت ہیں, اللہ ان متاثرین کی اور ان پریشان لوگوں کی ان کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے, اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.